And Yoga Pagavish on behalf of all students and management of IIT Abdul Bahadur Institution. I am Yoga Pagavish on behalf of all students and management of IIT Abdul Bahadur Institution. Welcome Mr. Sumit Narwal sir and his team at IIT Abdul Bahadur Institution. I have few lines for them. अगर गुमनाम है कोई उसे इकनाम मिल जाए, अगर गुमनाम है कोई उसे इकनाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे इनका उसे पहचान मिल जाए। अगर गुमनाम है कोई उसे इकनाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे इनका उसे पहचान मिल जाए। भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, सुदामा को तो अगर आपका घनश्याम मिल जाए। सर इट इज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू हियर एट आवर कैंपस फॉर डिस्कशन सेशन विद अस। बिफोर वी स्टार्ट आवर प्रोग्राम आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट our honorable vice chairperson Mrs. Sushma Bajaj ma'am to facilitate our guest with bouquet as a token of welcome. Now I would like to request our honorable director general Dr. Rajesh Goyal sir to say a few words before we start our session. Please come here sir. कुछ ना हो तो यही चीज होता है, सबसे पहले होता है हमें क्रिकेटर बने, सबका सपना यही होता है।
तो आज क्रिकेटर तो नहीं बन पाया, लेकिन क्रिकेटर को सामने देखकर आज वो खुशी मिल रही है जिसमें मैं बहुत कुछ बोलना चाहता लेकिन नहीं बोल पा रहा। तो इस टाइप की खुशी हमें होती है कि अगर कोई चीज़ को हम अचीव नहीं कर पाते लेकिन जो बंदा उसको अचीव कर गया उसके सामने बैठने की जो खुशी है वो एक्सप्लेन कर। क्योंकि वहाँ पे जब नेट बॉलर है तो पेस मेजर भी करते हैं, तो मैच में पेस मेजर होती है। वो एट दैट टाइम मैंने टेनिस बॉल से जब खेला था तो वो टेनिस बॉल में जिसमें इतनी पेस नहीं आती। नहीं देखो जब उसमें क्या है कि जब आप प्रोफेशनली खेलने लग जाते हो तो आपके पीछे पूरी टीम काम करती है, आपके साथ ट्रेनर्स होते हैं, आपके साथ फिजियोज होते हैं, आपके पास कोचेज होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी चाहे वो पेस ब्रेक कर, वो एक पूरा सिस्टम उनके पीछे काम करता है। टेक्नोलॉजी जिनके फिर वो पूरा 12 महीने उनकी टेक केयर की जाती है। नहीं रहते मेरी लाइफ में आज तक मुझे एक होगा जो सबसे ज़्यादा मुझे वो उनकी फेवरेट टीम के खिलाफ पड़ी है चेन्नई। तो ऐसा होता है कि वो जो होता है उस टाइम मुझे जैसे
चार छक्के लगे, तीन चार बॉलों के बाद खाली मेरे ओवर को जो मर्जी लिख दो, मुझे बॉल फेंक भी ना पड़े, मुझे यहाँ से हटा दो। आज के दिन कौन बैट्समैन मुझे सबसे मुश्किल बॉलिंग विजय को लगता था बॉलिंग से, क्योंकि जो मेरी बॉलिंग की स्ट्रेंथ थी वो उसकी बैटिंग की स्ट्रेंथ थी, तो मैं अपनी बेस्ट चीज करने जाता था, वो उसके लिए उसकी लॉटरी होती थी। आपने कभी आउट किया? ग्राउंड में एक होना चाहिए क्रिकेट। देखते थे कि कोई जब
कोई अचीवर आता था उसको देखते थे तो मन में ही आता था कि क्या कभी मैं भी ऐसे कर पाऊंगा, पहुंच पाऊंगा। ऊपर वाले के आशीर्वाद से आज आप सब ने कितनी इज्जत दी, मैम आप लोगों ने इतनी यहाँ बुलाया, ऑनर दिया, शुक्रिया। किसी भी जैसे बोल रहे थे अभी कि जब आप कुछ करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, किसी को देखते हो ऐसे, तो किसी भी अचीवमेंट की सबसे पहली शुरुआत जो है वो सोच है। सबसे पहले आपको जो काम करना है उसके बारे में सोचना है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, उसके बाद फिर उसकी उस गोल के लिए आपकी हार्ड वर्क है, आपकी डेडिकेशन है, आपका रास्ता है। बट सबसे पहली चीज है वो सोच है, सबसे पहले सोचना जरूरी है कि आप क्या बनना चाहते हैं। Yeah, I think 2015 का स्क्वाड है सब। Same स्क्वाड है। इस मैच से पहले वाले मैच में इसने सेंचुरी बनाई थी और इससे पहले में मेरी बॉल इनका कैच हो गया था, तो हमें बड़ा लग रहा था कि नहीं आज के लिए हमें तोड़ेंगे। और लकी इस मैच में मेरे भाई और मैच देख रहे थे, जैसे अभी आप देखोगे मेरे भाई लेवल ऊपर की तरफ है तो वो एकदम पिच के पीछे बैठे हुए थे। पूरे उस स्टैंड में वो चार लोग थे, ये भी ग्राउंड में भी बैठा हुआ, तो ये चार लोगों ने मेरी बेस्ट मैच हुई थी और बाकी तकरीबन उस ब्लॉक में 1,000-2,000 लोग होंगे, तो सिर्फ ये चार लोग चिल्ला रहे थे इस ग्राउंड होने पर, बाकी सब चुप है। दोनों चीजें इक्वली इम्पोर्टेंट है। बॉलिंग में ये कि आपके पास हमेशा एक एक्स्ट्रा चांस रहता है, आपको 6 बॉलों का एक ओवर करना है, अगर एक बॉल पे आप बाउंड्री लग भी गई, 2 पे लग गई, 3 पे लग गई, अगर आप सपोज करो 5 बॉलों पे भी आपकी कुछ बाउंड्री लग गई, अच्छा ओवर नहीं गया, वो भी आपके पास एक और ऑप्शन है छठा, उस पर अगर आप विकेट ले लेते हो तो ओवर कोई ये नहीं देखेगा कि भाई आपने 5 बाउंड्री कंसीड की है आपने विकेट ले। बैटिंग में थोड़ा सा ये है कि आपके पास हर बॉल का एक ही चांस रहता है कि अगर आपने वो बॉल खेलने में थोड़ी सी भी चूक हुई तो आपके पास फिर दोबारा ऑप्शन नहीं है आपकी बैटिंग करने। तो आपको किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा लगता था, बॉलिंग करने में या बैटिंग करने में? देखिए ये सवाल तो आप देश में किसी से भी पूछोगे तो बैटिंग ही बोलेगा सर, क्योंकि बॉलिंग करने में मेहनत लगती है, भाग के आना पड़ता है, पर ठीक है ऑब्वियसली, पर बॉलिंग का अपना एक अलग मजा है कि जब आप बैट्समैन को प्लान करके आउट करते हो, आप भी स्टूडेंट्स हो सारे अपना एग्जाम में कर रहे हो, ये कि प्रिपरेशन तो आप सारी करके जाते हो बट जब एक क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा मेहनत करके जाते हो और पेपर पे वो आया मिले तो सबसे पहले उसे ही लिखते हैं, उसी में सबसे ज़्यादा मजा आता है। कि ये आपके लाइफ का सबसे अच्छा, सर ये कौन सी मैच का आपको याद है? ये जिस मैच में मैंने डेविड वार्नर को आउट किया था ये उसी मैच का, इस बॉल पे शायद वीरेंद्र सहवाग आउट हुआ था इस बॉल। आपके लाइफ का कौन ऐसा मोमेंट है जिसमें आप बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगा था उस स्टेज पे जाके, वहां पे जाके? जब एक आप जो मेरी बैकग्राउंड है गांव से, किसान परिवार से मैं आता हूँ, तो
जब ऐसे बहुत सारे मोमेंट है, बट जब मैंने पहली बार इंडियन टीम की ड्रेस जब मैं पहले होटल रूम में घुसा, आप लोगों ने मैं एमएस धोनी की मूवी देखी होगी, जब वो रूम में घुसता है तरफ बेड पर किट मिलती है, तो वो जब मेरी किट वहाँ मिली थी तो वो सेम फीलिंग आती है जो उस मूवी में आई है। तो घुसते ही मैंने सबसे पहले अनपैक करके वो किट पहन के बैठ गया। मैं दो घंटे वो किट पहन के बैठ रहा था, कैप वैप लगा के अंदर रूम में, तो आई थिंक वो जबरदस्त मुझे उससे लव हुआ ना। दो घंटे वो ड्रेस पहन के बैठा रहा तो वो प्यार ही तो था। लग रहा है